हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं कुछ फोंडेंट के ऑब्जेक्ट्स जो फोंडेंट केक पर यूज होते हैं, जिसके लिए मैंने कुछ फोंडेंट लिए हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के। कुछ कटर्स लिए हैं और कुछ मोल्ड्स लिए हैं। ये कटर्स और ये कुछ कटर्स एंड मोल्ड्स मैंने यूज किए हैं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको फोंडेंट में बहुत जरूरी होती हैं। ये मैंने एक रोज के लिए, रोज हम छोटे छोटे बनाएंगे, इसके लिए मैंने एक रेड कलर का फोंडेंट लिया है। छोटी छोटी गोलियां बनानी है और इस रोज के मोल्ड में आपको डालनी है। ये एक सिलिकॉन मोल्ड है, इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में। जहां आप केक के पूरा अपना स्टफ लेते हो वहां आपको मिल जाएगा। ये मैंने अच्छे से प्रेस किया और अच्छे से हमें इसे बाहर निकालना है, एकदम आराम से। ये एक छोटा सा रोज बन गया। इसे आप कोई भी एनिवर्सरी केक, बर्थडे केक, किसी भी केक पर आप इसको यूज कर सकते हैं एंड कोई भी डिफरेंट कलर्स आप यूज कर सकते हैं। हमने कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर्स भी बनाए। अगर फोंडेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है आपके मोल्ड के साइज से, तो आप जो एक्स्ट्रा फोंडेंट है उसे एक नाइफ के हेल्प से आप उसको निकाल सकते हो। फोंडेंट के साथ थोड़ा काम करना डिफिकल्ट होता है, बट केयरफुली करें तो बहुत अच्छा होता है। ये हमारे व्हाइट रोसेस भी आ गए। ये हमारे कुछ रेड एंड व्हाइट रोसेस। ये एक मैंने बो मोल्ड लिया हुआ है। इससे हम छोटे छोटे बोस बनाएंगे, जिसे आप मिकी माउस केक, मिनी माउस केक या कोई भी ऐसा केक, कोई गर्ल थीम का केक है उसमें आप बोज यूज कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा फोंडेंट मैं निकाल दूंगी इसमें से। अच्छे से प्रेस करना है ताकि हमारे जो भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसे शेप अच्छे से मिल सके। ये हमारे बो रेडी हैं। ये मैंने अमेरिका जेल कलर लिया है, व्हाइट कलर लिया है। इसे मैं अपना थोड़ा ब्रश पे लगाऊंगी और हमें अपने बो पर कुछ डॉट्स बनाने हैं। फोंडेंट के साथ हमेशा जेल कलर ही यूज करना है, लिक्विड कलर फोंडेंट के साथ यूज नहीं करना है, और इसे ड्राई होने के लिए रखना है। इस तरह से हम सारे बो रेडी कर लेंगे। ये हमने कुछ रोजेस बनाए और ये कुछ हमारे बोज। अब मैंने एक ब्लू कलर लिया है फोंडेंट का। अब हम कुछ कॉर्नस्टार्च डालेंगे। कॉर्नस्टार्च आप नहीं डालेंगे तो फोंडेंट थोड़ा स्टिकी होता है,
वो हमारे शीट पर चिपकने लगता है, इसलिए हम थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च यूज करते हैं। अब मैंने ये कुछ कटर लिया है, ये एक ऐसा शेप है जिससे आप, ये कटर से आप कुछ ब्लैंकेट्स बना सकते हैं, कुछ शॉल बना सकते हैं, बेबी कवर बना सकते हैं। इवन आप बेडशीट भी इससे बना सकते हैं। अब मैंने ये राउंड शेप का कटर लिया है, जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है वो निकाल दिया मैंने। अब वाइट कलर ले रही हूं मैं, इसमें हम ये दूसरा कटर यूज कर रहे हैं। ये प्लास्टिक कटर्स होते हैं, बहुत ज्यादा जोर से प्रेस नहीं करना है, नहीं तो फॉन्डेंट आपका टूट सकता है या फट सकता है। ये हमने एक राउंड शेप का लिया और एक स्क्वायर शेप का बनाया। अब ये मैंने एक बेबी का मोल्ड लिया है, न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, ये भी एक सिलिकॉन मोल्ड है। अब ये मैं कुछ स्किन कलर ले रही हूँ, छोटा सा शेप देना है आपको, एक ओवल शेप, ओवल से थोड़ा सा आप बड़ा ले सकते हैं। अच्छे से प्रेस करना है, जो एक्स्ट्रा फॉन्डेंट है उसे निकाल देना है, बहुत केयरफुली यूज करना है। अब हम बहुत ही हल्के हाथों से इसे निकालेंगे। ये हमारा छोटा सा बेबी रेडी है। ये मैंने स्किन कलर लिया था, सॉरी वो पिंक कलर था, अब मैं स्किन कलर ले रही हूँ। ये स्किन कलर से मैंने एक बेबी बनाया। थोड़ा सा व्हाइट कलर में आप थोड़ा सा ऑरेंज मिक्स करेंगे, ऑरेंज कलर, तो आपको स्किन कलर मिल सकता है। ये हमारे दोनों बेबी बन गए हैं। अब हमने ये जो पिंक वाला बेबी बनाया था, अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा गर्लिश लगे तो आप इसको कुछ गर्ल टाइप का बना सकते हैं, कुछ ब्लैंकेट वगैरह या हम बो लगा सकते हैं इसमें। चलिए हम इस पर एक बो लगाते हैं इसके हेड पर। फॉन्डेंट को अगर किसी से अटैच करना है तो हम उस पर पानी यूज करते हैं। ये हमने हेड पर बेबी को छोटा सा बो लगा दिया है जिससे ये लगेगा कि ये गर्ल है। अब मैं एक रेड फॉन्डेंट ले रही हूँ फिर से, और ये राउंड शेप का कटर है। कटर्स भी आपको अलग अलग साइज में अवेलेबल हैं, मार्केट में आपको मिल जाएंगे। ये हमने बेबी को एक छोटा सा ब्लैंकेट डाल दिया है। इसे आप बेबी शॉवर केक में यूज कर सकते हैं, या छोटा कोई भी बेबी है 1 ईयर 6 मंथ, आप उसके लिए आप ऐसे मोल्ड, बेबी मोल्ड लेके आप वो केक में यूज कर सकते हैं। ये देखिए हमारे बेबीज बन गए, ये कुछ फ्लावर्स बन गए। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो फॉन्डेंट केक में यूज होती हैं। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा फॉन्डेंट केक ऑब्जेक्ट का, इसका सेकंड पार्ट भी मैं अभी अपलोड करूंगी, तो आप वो भी देखिएगा प्लीज। और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।